कनेक्शन ही गया है या मिशन भी। मैं रुस्लान को बचपन से जानती हूँ। इंपेशेंट है, इंपल्सिव है, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करता। जो कुरान मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह के बाद देश आता है और मेरा देश हिंदुस्तान है। दोस्तों, सलमान खान के ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा अब एक और मूवी के अनाउंसमेंट कर चुके हैं और अभी कुछ दिनों पहले इस मूवी का टीजर भी देखने को मिला था। आयुष शर्मा की इस मूवी का नाम होने वाला है रुस्लान। मेकर्स की तरफ से इस मूवी का टीजर रिलीज कर दिया गया है और मूवी के टीजर से लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मूवी के टीजर को देखकर लग रहा है कि मूवी में हमें काफी खतरनाक एक्शन देखने को मिलने वाला है और सुनने को मिल रहा है कि मूवी की स्टोरी भी काफी दमदार होगी। अब देखना यह होगा कि जिस तरह के रिव्यू मूवी के टीजर को मिल रहे हैं उसी तरह के रिव्यू मूवी को मिलते हैं या फिर नहीं। अभी बहुत ही जल्द हमें मूवी का ट्रेलर देखने को मिलने वाला है जिसके बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है और मूवी में कितना दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। तो वहीं बात करें मूवी की कास्टिंग की तो मूवी में बॉलीवुड और साउथ के बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। मूवी में मेन लीड रोल में आयुष शर्मा देखने को मिलने वाले हैं और इनके साथ विद्या मालदेव हीरोइन के रोल में देखने को मिलने वाली है। वहीं मूवी में हमें साउथ के बड़े कलाकार जगपति बाबू देखने को मिलेंगे। अभी ये वैसे फाइनल नहीं हो पाया है कि मूवी में जगपति बाबू का रोल क्या होगा। हो सकता है कि वो मूवी में विलन का रोल निभा रहे हो। अब ये तो मूवी के ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। वहीं बात करें मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से केते अयान सिपुरी के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है और मूवी के टीजर रिलीज होने के बाद मेकर्स की तरफ से मूवी की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। मेकर्स के मुताबिक अगले महीने यानी कि दिसंबर के लास्ट में मूवी के ट्रेलर देखने को मिलने वाला है और उसके बाद ये मूवी हमें सीधा 12 जनवरी को सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप सब आयुष शर्मा की मोस्ट पॉपुलर रुस्लान मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।